हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड। देखिए क्या है, 9y-6 दैट इज़ इक्वल टू 3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y² - 4y/3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गेट एग्जामिनेशन में 2016 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो देखिए अब करेंगे कैसे इसको। इसका नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 9y-6 इसको स्केयर करेंगे बिकॉज हमें वाई स्केयर की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a-b² का, तो आपके पास आएगा a² + b² - 2ab, और देन यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे और फिर आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर? और अगर मैं कहूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, जब आप पहले करेंगे इसको स्केयर करेंगे, देन उसकी कैलकुलेशंस में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, और देन क्या आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा? नहीं कंप्लीट हो पाएगा। एक मैं छोटा सा मेथड बताती हूँ आपको, शॉर्ट सी ट्रिक बताती हूँ। आप क्या कीजिए, यहाँ पे वाई की कोई वैल्यू ले लीजिए जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। मींस ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये ट्रू हो जाए उस वाई की वैल्यू के लिए। इसको मैं बोलूँगी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, ये ट्रू हो जाए उस वाई की वैल्यू के लिए। चलिए मैं देखती हूँ, वाई को 1 रख के देखती हूँ, क्या ये वैल्यू मेरी आ रही है? 9। वाई को मैंने लिख दिया 1-6 मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 9-6 दैट इज इक्वल टू 3। मेरे पास क्या सेम वैल्यू आ रही है? यस, मेरे पास तो 3 मुझे मिल गया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल मिल गई। मीन्स अगर मेरे पास वाई हो तो ये मेरी इक्वेशन ट्रू है। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन में वाई को 1 पुट कर दूँ तो मेरा हो गया काम, ठीक है ना। वाई को मैंने क्या पुट कर देना है, y² - 4y/3 मेरे पास ये है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ y² की जगह पर आ गया 1² - 4 1/3, तो ये मेरा क्या आ गया, -1/3। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ गया, -1/3। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कितना टाइम लगा इस चीज़ को सॉल्व करने में? और अगर आप इसको करते हैं a+b या a-b² के वैसे, तो आप देख लीजिए a² + b² - 2ab पहले आप लिखेंगे, देन फिर 9y का आप स्केयर करेंगे, प्लस b का स्केयर करेंगे, फिर -2, फिर 9y, फिर -6। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते करते कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या किया, जस्ट आपने इसको 1 पुट किया, कुछ इक्वेशंस में 1 के साथ हो जाएगा, कुछ इक्वेशन में 1 के साथ नहीं हो रहा, आप 2 पुट करके देख लीजिए। इस तरह से आपकी ये वैल्यूज़ हैं, आप को इस टाइप की इक्वेशंस गिवन होती हैं, आप उसमें 1 या 2 या 3 जो भी आपका नंबर सेट बैठता है जिसके अकॉर्डिंग आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए और लेके आने वाली हूँ। थैंक यू।